नमस्कार दोस्तों, दिव्य दृष्टि ज्योतिष भवन में मैं पंडित माणिक भारद्वाज शास्त्री आप सभी का दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आइए आज मैं आपको बताता हूँ, घर में अगर आप छोटा सा मंदिर बनवा के रखना चाहते हैं तो किस प्रकार का होना चाहिए। कई माताओं बहनों के भाइयों के कमेंट मैसेज आते हैं, पूछते हैं कि घर में हम छोटा सा जो अगर मंदिर बनवा के रखें, किसी के घर में ज़्यादा जगह नहीं होती तो छोटा सा पूजा रूम बनाना चाहते हैं तो किस प्रकार का होना चाहिए। देखिए, मैं आपको पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि जो हम घर में मंदिर का स्वरूप बनाते हैं तो उसमें जो कलश है वो आप किसी प्रकार का लगवा सकते हैं, तांबे का, पीतल का, लकड़ी का, और उसको जो नीचे वाला हिस्सा है वह 1 2 3 ये पिरामिड टाइप होना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप होता है और गुंबद इस प्रकार चौकोनी होने चाहिए और आप गोल भी रख सकते हैं और सामने का जो माथा है वहाँ स्वस्ति या ओम का चिन्ह या निशान भी बनवा सकते हैं। उसके बाद आप मंदिर का लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से बराबर रखिए, तिकोना नहीं होना चाहिए। सामने श्री गणेश भगवान की या ओमकार या स्वस्ति का चिन्ह भी बना सकते हैं और छोटा मंदिर है तो उसमें एक दराज रख सकते हैं, ज़्यादा संख्या में दराज नहीं रख सकते। और ऊपर आप कलश की जगह यहाँ पे झंडा भी स्थापित कर सकते हैं और मस्तिष्क पे ओम स्वस्ति श्री या गणेश का स्वरूप भी बनवा सकते हैं। इस प्रकार आपको करना है और पीछे से आगे से बिल्कुल चौरस और उतनी ही लंबाई में चौड़ाई में होना चाहिए। तो इतना कुछ आप करिए। मंदिर में देवताओं की फोटो मूर्तियाँ कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है, वो अगली वीडियो में बताई गई है, दूसरी में देख सकते हैं। सिर्फ ये छोटा सा मंदिर जो किसी भगत ने घर के लिए बनवाया है, तो इस मंदिर को आप अगर पसंद करते हैं और बनाने वाले पंचाल के लिए आपको लाइक करना पड़ेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट के माध्यम से अपनी राय, अपना बात, अपना हमें हमारे सामने रख सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, बताना चाहते हैं बता सकते हैं। तो किसी प्रकार की बातचीत के लिए कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए। जय माता की।